श्रीराम जय जय श्रीराम जय श्रीराम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं जानता हूँ रावण, तुम स्वयं नहीं आए हो, तुम्हें तुम्हारे पाप लेकर आए हैं। किसके पाप, किसके पुण्य? अपने धनुष बाणों से कहो ये मुझसे बात करें। अवश्य, आज तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं अपनी की हुई भूल का प्रायश्चित करूंगा जो मैंने उस दिन की थी तुम्हें जीवित छोड़कर। यदि उस दिन मैंने तुझे जीवित नहीं छोड़ा होता तो आज लंका का इतिहास कुछ और ही होता। कुलद्रोही, तुम्हारे लिए मैंने प्रचंड शक्ति संभाल कर रखी है। आज मेरे हाथों से स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बता सकते। जैसे राक्षस जाति के तुच्छ जीव के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाल दी। मित्रता
जाति पाति को नहीं देखती। मित्र की आपत्ति को भी अपने ऊपर ले लेना, यही मित्र का धर्म है। मित्र, आप तो हमारे शरण में आए और शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो दे देने चाहिए। मित्र, आप ये क्यों भूल रहे हैं, हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। हमारे रघुकुल में ये रीति सदा से चली आई है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मित्र, ये तो मेरा धर्म था। विश्राम कीजिए प्रभु, आप विश्राम कीजिए। हाँ भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, आप विश्राम कीजिए। सारथी, कहाँ ले जा रहा हूँ मुझे? रोको राज, तुम मुझे युद्ध से भगा कर ले जा रहे हो, जिसकी आज्ञा से तुमने रणभूमि से रथ को मोड़ा। महाराज, श्री राम के साथ मैं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा, यदि शत्रु को श्री कहोगे तो। क्षमा लंकेश, परंतु मैं तो सारथी का धर्म निभा रहा था। एक सारथी का कर्तव्य है कि युद्ध भूमि में अपने स्वामी के हित का ध्यान रखते हुए सतर्क रहे। इस समय मुझे युद्ध के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे वापस रणभूमि ले चलो। घुमाओ रथ को, शत्रु के सामने जाना है। अरे ओ युद्ध से भागे हुए कायर, पुनः मरने के लिए रणभूमि चला आया। ए मरकट, जा जाकर अपने वनवासी स्वामी को बोल, रावण युद्ध के लिए ललकार रहा है। ललकार का उत्तर देने के लिए राम तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण, तुम ही रणभूमि को पीठ दिखाकर भाग गए थे। मैं तुम्हें युद्ध के नए पाठ पढ़ाने के लिए अस्त्र एकत्रित करने गया था। ये लो, संभाल मेरे तामस अस्त्र को। तामस अस्त्र की काट थी तुम्हारे पास, इसलिए बच गए। अब असुरास्त्र से बचकर दिखाओ कि तुम्हें और तुम्हारी वानर सेना को धूल में मिला देगा। अस्त्र छोड़ो रावण और अपनी अभिलाषा पूरी कर लो। तो लो, सूर्य नारायणाय नमः।
श्री राम। और साहस तुम में नहीं है, अस्त्र फेंक कर हार मान लो। लंकेश तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देगा। शाली हो राम, सूर्य ने अस्त होकर तुम्हारी सहायता कर दी। युद्ध विराम के कारण तुम जीवित बच गए, परंतु कल तुम जीवित नहीं बचोगे। जाओ, कर लो जितना विश्राम करना है। तुम्हारे सर पर मंडराता हुआ काल मैं अभी से देख रहा हूं राम। जो काल तुम्हें दिखाई दे रहा है रावण, वो काल मेरे बाण में बैठा हुआ है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो थोड़े से श्वास तुम्हारे बचे हुए हैं, उसके समाप्त होते ही ये काल तुम्हें अपने पास में जकड़ लेगा। जाओ रावण जाओ, और कल प्रातः सूर्य देव को अपना अंतिम प्रणाम करके आना। जाओ विश्राम करो, कल का युद्ध बहुत भीषण होने वाला है। देखना कल तुम्हारा भाई राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि धरती और आकाश दोनों थर्रा जाएंगे। जय श्री राम।
जय श्री राम। स्वामी, क्या आज आप युद्ध में मूर्छित हो गए थे? आपके सारथी से पता चला। इसी समय से वो मेरा सारथी नहीं है, उसे बंदी बनाने का आदेश देता हूं मैं। कोई है? आप विचलित क्यों हो रहे हैं? इसमें सारथी का क्या दोष? यदि लंका की महारानी युद्ध के समाचार जानना चाहे तो क्या उसमें साहस है कि वो मुझे सत्य ना सुनाए? और ये तो युद्ध है, युद्ध में यदि मृत्यु हो सकती है तो फिर मूर्छा क्यों नहीं आ सकती? स्वामी, महारानी आप पहली बार साहस भरी बातें कर रही हैं। साहस कर रही हूं, कुछ कहने का नहीं, पूछने का। तो पूछिए। आप ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? अपनी विजय के लिए। इस विजय से क्या मिलेगा आपको? यश, कीर्ति। यश और कीर्ति शुभ कार्यों से मिलती है स्वामी। किसी बेसहारा का सहारा बनकर, निर्बल का बल बनकर, धर्म के लिए अपने प्राण देने वाले को यश मिलता है। किंतु अधर्म के लिए लड़ने वाला युद्ध में यदि विजयी हो भी जाए तो उसकी सराहना कभी नहीं होती। स्वामी, मैं आपकी पत्नी होने के नाते आपकी ही विजय की कामना करती हूं, किंतु मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ कौन होगा? आपके पुत्र, भाई, मित्र कोई भी जीवित नहीं बचे हैं। फिर किसके लिए स्वामी आप अपने शरीर पे ये घाव खा रहे हैं? आपकी विजय का गुणगान करने के लिए कौन जीवित बचा है? एक मैं और एक आप, और विधवाओं से भरी हुई ये सुनसान लंका। तनिक सोचिए महाराज, और फिर मुझे बताइए, क्या ऐसी विजय पाने के लिए आप कल फिर युद्ध में जाएंगे? मैं आपके अपने हित के लिए, अपने कुल के लिए, अपने देश के हित के लिए आपसे प्रार्थना करती हूं। जो गए सो गए, किंतु जो बचे हैं उन्हें बचा लीजिए महाराज। मैं आपसे अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूं महाराज। स्वार्थी मत बनिए महारानी मंदोदरी। रावण इस युग का वो युग पुरुष है जिसका नाम हर युग में लिया जाएगा। महारानी, हर युग में लिया जाएगा। बहुत गहरे गहरे घाव हैं भैया। युद्ध में लगे घाव वीरों के अलंकार होते हैं लक्ष्मी। वैसे आपकी सहन शक्ति को प्रणाम है भैया, इतनी पीड़ा कैसे सहन कर लेते हैं? पीड़ा है कहां लक्ष्मण, पीड़ा थी जब तक तुम्हारे हाथ इन घावों को स्पर्श नहीं किए थे। परंतु तुम्हारे स्पर्श मात्र से मां की ममता और भाई का स्नेह इतना मिल गया है कि पीड़ा हार मानकर भाग गई है। तुमने मेरी नस नस में नया उत्साह भर दिया है लक्ष्मण। देखना कल तुम्हारा भाई राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि धरती और आकाश दोनों थर्रा जाएंगे। भैया, पता नहीं क्यों बार बार मेरी अंतरात्मा मुझे यही कहती रहती है कि इन समस्याओं की जड़ मैं हूं। यदि मैं भाभी को अकेला छोड़कर ना जाता। अज्ञानियों जैसी बात मत करो लक्ष्मण। जो कुछ भी होता है विधाता की विधि के अनुसार होता है। विधाता का खेल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तनिक बीती बातों का स्मरण करो लक्ष्मण। सीता का हरण क्यों हुआ? असल में विधाता ने आर्यव्रत को अधर्मियों के अनीति
और अत्याचार से मुक्त कराने के लिए ही ये सीता का हरण करवाया। लक्ष्मण, यदि हम 14 वर्ष वन में रहकर अयोध्या लौट जाते तो धर्म कर्म में अपना जीवन बिताने वाले, लोक कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले ऋषि मुनियों का त्रास कैसे मिटता? गुरु वशिष्ठ से मिला ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र से मिले दिव्य अस्त्र और महर्षि अगस्त को दिया हुआ वचन सब व्यर्थ चला जाता। इसलिए लक्ष्मण, जो कुछ भी होता है सब भले के लिए होता है। विधाता सुख देता है मानवता की परीक्षा के लिए, और दुख देता है तो केवल शिक्षा के लिए। भैया, आप युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसकी पूर्णता तुमसे है। लक्ष्मण, जाओ विश्राम करो, कल का युद्ध बहुत भीषण होने वाला। कल देखिए। देवेंद्र, ये युद्ध बराबरी का नहीं है। राम धरती पर और रावण रथ पर। मैं अभी अपना दिव्य रथ सारथी से ही भेजता हूं। मात्री,